आरोपी वेद प्रकाश और दिनेश अग्रवाल को आज जिला कोर्ट में रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इसके पहले पुलिस दोनों आरोपियों का 10 दिन का रिमांड ले चुकी है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में पुलिस ने 5 अन्य ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है, जो कि 5 दिन के रिमांड पर है। 5 अन्य आरोपियों को 5 दिन के रिमांड खत्म होने पर पेश किया जाएगा। इसमें से कुछ आरोपी मुंबई की बड़ी गैंग से भी कनेक्शन रखते हैं, जिन्होंने शहर में ड्रग्स के अवैध व्यापार को बढ़ाने का काम किया है। जी सर, आज 70 करोड़ वाले मामले में आरोपी पेश हुए थे क्या? इसका ये हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें अभी सिलसिला चल रहा है, अनुसंधान जारी है। पूर्व में इसमें 3 आरोपियों को जीआर दे चुके हैं, आज फिर 2 आरोपियों को जीआर दिया गया है। वो 5 अन्य आरोपी जो गिरफ्तार हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनका पीआर 25 तारीख तक का है, क्योंकि ये अन्य अन्य क्षेत्रों में, अन्य अन्य राज्यों में इनकी कार्रवाई हुई है, तो उनकी पूछताछ अभी जारी है, सिलसिला चल रहा है, अनुसंधान अभी अनकम्प्लीट है और इसी दौरान इनकी कार्रवाई जारी रही। आज जो 2 आरोपियों को जीआर मिला, उनका क्या नाम? दिनेश अग्रवाल और वेद प्रकाश व्यास का जीआर हुआ है। स्कूल में इनके पीआर थे। मैं कोमल दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, इंदौर।